एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत 47 वर्षीय महिला के साथ रेप। असम में बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। देखते हैं आप खबरें विस्तार से। लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत एक महिला अपने घर पर खाना खा रही थी, उसी दौरान उसका पड़ोसी घर में घुसा और महिला से जबरदस्ती कर उसका रेप किया। लकड़गंज थाना क्षेत्र में एक 47 वर्षीय महिला अपने घर में खाना खा रही थी, तभी अचानक पड़ोसी घर में जबरदस्ती घुस गया और महिला के साथ जबरदस्ती की। आरोपी ने महिला को लातों से छाती पर वार किया और जख्मी कर दिया। उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने आरोपी के खिलाफ लकड़गंज थाने में बलात्कार की शिकायत दर्ज की है। दूसरी खबर, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र नॉर्थ जोन और अन्य संगठनों ने असम के दारंग जिले में पुलिस द्वारा दो लोगों की हत्या के खिलाफ संविधान चौक नागपुर में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने प्रताड़ित करने वाले असम पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। SIO के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सलमान अहमद ने कहा है कि इस तरह से अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न असम में लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। SIO ने मांग की है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस तरह के अत्याचारों में शामिल अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को दंडित किया जाएगा और उन्हें न्याय के दायरे में लाया जाएगा। जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने दोनों पीड़ितों के परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50 लाख रुपए की मांग की है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS News Live। नमस्कार।